मुंबई 1980, सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए बाबू, ये रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट की एक-एक ज़ेरॉक्स करके दीजिए ना। नहीं ताई, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं एक घंटे बाद आ जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तब तक हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, नर्सिंग ब्यूरो, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं, नर्सिंग ब्यूरो जो घर में नर्स प्रोवाइड करते हो। हाँ जी, ओके। नहीं नहीं, आप मोबाइल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मेल मत भेजिए। आराम से बा, बा तुम्हारी चाय रख दे टेबल पे। आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज, आपको फुल टाइम नर्स चाहिए? जी हाँ, फुल टाइम। मैं कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करती हूँ और आपके घर भेज देती हूँ। कब तक भेज देंगी आप? बस एक दिन दीजिए। आपका एड्रेस बताइए। देखो राधिका, हम दोनों वड़ोदरा में रहते हैं, तुम्हें हमारी बात का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल सर, यही तो मेरा काम है। इंजेक्शन ठीक से लगा लेती हो? हाँ मैम, आप मेरा एक्सपीरियंस देखिए, रेफरेंस लेटर साथ में लगे हुए हैं। ओके ठीक है, फिर 15,000 महीने पे तय करते हैं। लेकिन काम तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। हाँ मैम, मैं बस घर से अपने कपड़े ले आती। आने वाले वक्त की दस्तक कैसे सुनी जा सकती है जब चेहरे ही सच ना बयां कर रहे हो, ना ही अपनी पहचान को लेकर और ना ही अपने असल इरादों को लेकर। बा, ये राधिका कैसी लड़की है? आपका ठीक से ख्याल तो रखती है ना? बहुत अच्छे से, और हाथ भी बहुत हल्का है उसका। इंजेक्शन ऐसे लगाती है कि पता ही नहीं चलता। बा, मैं तो कहती हूँ आप चलो हमारे साथ, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। हाँ बा, चलो ना, वडोदरा बहुत अच्छा शहर है।
मैं यही ठीक हूँ बेटा। 42 साल हो गए मुझे इस घर में। जब हम यहाँ आए थे ना, तुम 9 साल के थे। सारी जिंदगी यहीं कट गई मेरी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आके घर का चाबी दीजिए, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों, अंदर राधिका नहीं है क्या? पता नहीं, मैं तो 3-4 बार घंटी बजा चुकी हूँ। लो। बा? बा? अरे बा, ये आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? राधिका पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने घंटी सुनी थी, मैं उधर ही आने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधिका, कहाँ चली गई? अरे बा, राधिका तो यहाँ भी नहीं है। भगवान जाने कहाँ चली गई। सुबह ना उसने मुझे उठाया, ना चाय दी। कोई बात नहीं बा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बा, राधिका का फोन तो बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, ये राधिका ऐसे गायब कहाँ हो गई? नर्स राधिका तांबे ने सिर्फ 6 महीने काम किया था और फिर अचानक गायब हो गई थी। उसका फोन भी बंद था। कहीं उसके साथ घर का कोई और सामान भी गायब तो नहीं हो गया था? वो बताकर नहीं गई? नहीं, बताया तो नहीं, पर ऐसा कभी वो करती नहीं है। बस जरा चेक करो, अलमारी की चाबियां आपके तके के नीचे है ना? अच्छा, हाँ चाबियां तो है। अब अलमारी चेक करो बा।
स्नेहा, लॉकर में तो कुछ भी नहीं है। क्या? हम लोग परसों आए थे और लॉकर में 5 लाख रख के गए थे और उसमें लगभग 1.5 लाख की ज्वेलरी भी थी। आप लोगों ने इतना सारा कैश और ज्वेलरी ऐसे घर में रखा जहां आपकी बूढ़ी माँ के अलावा मेड और नर्स रहती है। मैं जब भी आता था तो कुछ पैसा बा के पास रख के जाता था, बाकी बैंक में डाल देता था। लेकिन इस बार मैं जरा जल्दी में था तो सारे पैसे यहीं रख दिए। सोचा अगली बार आऊँगा तो बैंक में डाल दूंगा। और लॉकर में कितना कैश था किसी को पता नहीं था, बा को भी नहीं। नर्स राधिका तांबे गायब है, शायद उसको पता था कि लॉकर में क्या है। साहब, मैंने अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया साहब, मैं तो इधर खाली बर्तन झाड़ू कटका और खाना बनाने के लिए आती हूँ साहब, मैं इधर सारा टाइम रहती भी नहीं हूँ साहब। मैं चाबियाँ हमेशा अपने तकिए के नीचे ही रखती हूँ। क्या राधिका अलमारी खोला करती थी? वो सिर्फ मेरे कपड़े रखने और निकालने के लिए ही अलमारी खोलती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ ये अलमारी की चाबी देती थी, ये लॉकर की चाबी नहीं। क्या उसने तुमसे कभी घर में पड़े रुपयों की बात की थी? नहीं साहब। हाँ, कभी कभी बातों बातों में वो ऐसे ही पूछती थी साहब। साहब और मेम साहब का बहुत ख्याल रखते हैं ना? अरे साहब और मेम साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो जब भी आते हैं बहुत कुछ लेकर आते हैं और ये घर का पूरा राशन भी भर के जाते हैं। बेचारी बा, वो तो अकेले बैंक में नहीं जा सकती ना पैसे निकलवाने। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि बा को बैंक जाने की ज़रूरत है। साहब जब भी आते हैं ना, बा को कुछ ना कुछ पैसा दे के ही जाते हैं। हाँ वो तो है। लॉकर में 5 लाख कैश पड़ा था, ये राधिका को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं बताया। मैंने जब ये पैसे यहाँ अलमारी में रखे थे तब तो बा बाथरूम में थी और राधिका भी वहीं बा की हेल्प कर रही थी। तो हो सकता है राधिका ने आपको पैसे रखते हुए देख लिया। कुछ कह नहीं सकते। उसने आपके तकिए के नीचे से चाबियाँ निकाल कर अलमारी खोली और फिर लॉकर में से कैश और ज्वेलरी लेकर अलमारी वापस बंद की और चाबी लाकर आपके तकिए के नीचे रख दी और रफू चक्कर हो गई। इतना कुछ हुआ आपको कुछ पता नहीं चला? हो सकता है मैं गहरी नींद में थी, मुझे कुछ सुनाई तक नहीं दिया था। वो आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज से आई थी। फोटो नहीं है कोई उसका? नहीं, उसने नहीं दिया। हमने उसका पर्सनली इंटरव्यू लिया था। उसके पास फोन था? हाँ था, हालांकि हमें उसे फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हमेशा यहीं तो रहती थी। उसका नंबर दीजिए। अजीब बात, ना तो इनके पास कोई फोटो है ना कोई लोकल एड्रेस है, और राशन कार्ड कॉपी में जो एड्रेस दिया है वाली बाग का है। सर मैं इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ। और नौकरानी सविता पर भी किसी को निगरानी के लिए तैनात रखो, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो, आखिरकार इस घर में 3 साल से काम कर रही है। सर मुझे लगता है हमें एक बार आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज में जाकर भी पूछताछ करनी चाहिए। सर उसके सर्टिफिकेट्स और रेफरेंस लेटर हमारे पास पहले से है, हमें उसका लोकल एड्रेस और फोटो चाहिए। एड्रेस है हमारे पास लेकिन फोटो नहीं है। क्यों जी? हमारे यहाँ के प्रोसीजर में फोटो की जरूरत नहीं लगती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास फोटो होना चाहिए। एनीवेज उसका लोकल एड्रेस दीजिए। राधिका सुबह करीब 7:30 बजे आई थी और उसने घर की चाबियां दी और बोली कि जा रही है। क्या हुआ? कुछ जरूरी काम आ गया है, गांव जा रही हूँ। ऐसे अचानक? हाँ अचानक। क्या वो अलीबाग गई? क्योंकि राशन कार्ड के पते के हिसाब से वो अलीबाग की रहने वाली है। जी उसने कुछ ऐसा बोला नहीं। अपने राधिका तांबे को 12 नवंबर 2012 को रेफरेंस लेटर दिया था? जी हाँ दिया था।
वो मेरे सास के यहाँ काम करती थी, कुछ 4 महीने काम किया, उसके बाद हमें उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी फोटो तो नहीं है। नहीं हूँ आशीष, मैं तो राधिका ने हमारे वहाँ 3 महीने काम किया था, काम माँ बहुत सारी करती, अच्छी थी वो। आपके पास उसकी कोई फोटो है? नहीं जी, उसके फोटो के लिए मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसने हमारे घर में 9 महीने तक काम किया था, वो काम में बहुत अच्छी थी। वो ऐसा कुछ कर सकती है इसका मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। दीदी मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है, उसने चाबियां निकाली, पैसे चुराए, और अगर इस दौरान बा जाग जाती तो पता नहीं वो बा के साथ क्या करती। उसकी कोई भी डिटेल किसी के भी पास नहीं, आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज के पास भी नहीं। क्या होता अगर चोरी के दौरान उषा बहन जाग गई होती? राधिका तांबे का पता ठिकाना और भी रहस्यमय होता जा रहा था, यहां तक कि उसका अलीबाग का एड्रेस भी, जो कि राशन कार्ड में दिया हुआ था। जी राधिका तांबे। राधिका तांबे ती थे ना राज, वो तो कब की यहाँ से चली गई? कब की मतलब? करीब 2-2.5 साल हो गए। कहाँ शिफ्ट हुई है? उसके पति और बच्चे के साथ पुणे में शिफ्ट हो गई। सर राशन कार्ड में दिया हुआ एड्रेस या तो बहुत पुराना है या फर्जी है। राधिका तांबे के कॉल रिकॉर्ड भी मिल गए हैं, 13 अगस्त से उसका फोन बंद है। मतलब वो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रही थी। सर इसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ है, लेकिन हाँ जिन भी घरों में इसने पहले काम किया है वहाँ पर बुजुर्ग लोग अकेले नहीं रहते थे, परिवार के लोग साथ में रहते थे, और उस मेड सविता पर 2 कॉन्स्टेबल्स लगातार निगरानी रखे हुए हैं। पर सर लगता नहीं है कि उसका इसमें कोई भी हाथ है, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही जगह पर अपनी फैमिली के साथ रह रही है। राधिका तांबे ने ऐसे कोई कॉल किया जिससे हमें कोई लीड मिल सके? सर इस बीच उसने 10 या 12 कॉल्स किए हैं, वो सारे नंबर्स हैं हमारे पास। सभी नंबर चेक करो, वो एक सर्टिफाइड नर्स है, मैं नर्स एसोसिएशन में चेक करता हूँ, हो सकता है उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड हो। और डिटेल उसका, कोई फोन नंबर? एक मिनट सर। ये तो 40-45 साल की लगती है। बर्थ ऑफ ईयर 1973। जी ये 3 साल पुरानी फोटो है उनकी, उसका नंबर भी है। हेलो राधिका तांबे। हो बोलते आप नर्स हैं? हो मैं पहले नर्स का काम किया करती थी, पर अभी 2.5 साल से अपने पति और बच्चे के साथ पुणे शिफ्ट हो गई हूँ। आप कौन? मैं पीआई आंबेकर, अंधेरी पुलिस स्टेशन से। आप पहले अलीबाग में रहती थी? जी अलीबाग में। आपका एड्रेस 14/135 गोविंद नगर था। जी लेकिन बात क्या है? आपने 8 अगस्त 7 अगस्त और 5 अगस्त को राधिका तांबे से बात की थी। जी लेकिन आप जो ये बता रहे हो 444567899 ये नंबर राधिका तांबे का नहीं है, ये तो मेरी दोस्त पूजा मास्के का है। जी आप ठीक कह रहे हैं, ये राधिका तांबे का नहीं पूजा मास्के का नंबर है। हाँ ये पूजा मास्के का ही नंबर है, वो मेरी बचपन की दोस्त है, कुछ वक्त के लिए मेरे साथ मीरा रोड में भी रही थी। क्या हुआ है सर? अभी कहाँ है वो? अभी तो पता नहीं, मेरी पिछले 2 महीने से उससे बात नहीं हो पाई है। पर बात क्या है सर? नहीं सर ये वो राधिका तांबे नहीं है, वो तो एक यंग लड़की थी। कोई
20-22 साल की होगी। जी नहीं, ये राधिका दामले नहीं है। आना आ तो उम्र में मोटा चे, वो तो यंग लड़की थी। जी नहीं, ये राधिका तांबे नहीं है। राशन कार्ड, सर्टिफिकेट्स, सब कुछ फर्जी है। फर्जी नाम राधिका तांबे, जबकि असली नाम पूजा महास्के है। लेकिन हमारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। उसने इस धोखाधड़ी और चोरी के काम को बड़ी ही सफाई और शातिर तरीके से अंजाम दिया था। अपने पीछे अपनी पहचान, अपने पते ठिकाने का एक भी सुराग तक नहीं छोड़ा था। उसका अगला शिकार कौन होगा, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। क्या वो ये अपराध करके बच जाएगी? पूजा अलीबाग की नहीं, मुरुड़ की रहने वाली है। मुरुड़? मुरुड़ तो अलीबाग के पास है। क्या तुम पूजा को बचपन से जानती हो? हम दोनों बचपन में एक साथ स्कूल जाया करते थे। उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई, तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और तब अपना और अपनी बहन जागृति का ख्याल रखने के लिए उसे काम करना पड़ा। तुम्हारे पास पूजा की कोई फोटो है? मेरे मोबाइल में ही है। तुम्हारे पास उसका मुरुड़ का एड्रेस है? जी है मेरे पास। हाँ सर, यही है राधिका तांबे। सर, राधिका तांबे इसका फर्जी नाम है। इसने फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया है। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये आपके सर्टिफिकेट्स और राशन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये वहाँ काम करती हो जहाँ पहले कभी आप काम करती थी। मैं अलीबाग हेल्थ सेंटर में काम करती थी, वहाँ इसे मैंने कभी नहीं देखा। और सर, मुझे कैसे पता होगा कि कोई मेरे नाम का और सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है? मास्क है? जी, वो घर पे नहीं है। तुम? जागृति मास्क है। पूजा मास्क की छोटी बहन? जी, ताई 25 अगस्त की रात को आई थी और फिर अगली सुबह वापस चली गई थी। कहाँ गई? वो नहीं बताया। अरे तुम उसकी छोटी बहन हो, कुछ तो बातचीत होती होगी, तुम्हें पता तो होगा इस वक्त कहाँ है। 4 महीने में एक बार आती है और पैसे देकर वापस चली जाती है। मैं यहाँ नर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। बड़ी बहन नकली नर्स बनकर लोगों को चूना लगा रही है और छोटी असली नर्स की पढ़ाई कर रही है। सर, मैं सच कह रही हूँ। आप जो कह रहे हैं, ताई ने जो कुछ भी चुराया है, मुझे कुछ नहीं पता। फोन कहाँ तुम्हारा? मेरे पास फोन नहीं है। अगर ताई को कोई बात करनी होती है तो वो बाजू की राशन की दुकान में फोन कर देती है। देखो, तुम्हारी बहन पूजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। सर, मुझे सच में नहीं पता ताई कहाँ। जब से हमारे आई बाबा गए तब से मेरी ताई मेरा सब कुछ है। मुझे नहीं पता वो क्या करे। मुझे यही लगता था कि वो एक नौकरानी का काम करती है। गणेश साहब, इस लड़की पर और इस घर पर 24 घंटे नजर रखो। हो सर। जी नहीं, इस लड़की ने यहाँ कभी काम नहीं किया। मैं राधिका तांबे को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये लड़की कभी यहाँ काम पर नहीं थी। जागृति के लिए कोई फोन आया था क्या? नहीं तो क्यों? मुंबई पुलिस,
अगर फोन आए तो मुझे खबर कर देना, नंबर लिख लीजिए। सर 7 दिन हो गए लेकिन उस लड़की की कोई खबर नहीं है। हम उसकी बहन जागृति पर लगातार नजर रखे हुए हैं, पर लगता है वो सच में अपनी बहन के टच में नहीं है। तो उसके दोस्तों से पता करो, ये पूजा महास्के ऐसे कैसे गायब हो सकती है। हो सकता है वो किसी दूसरी स्टेट में जाकर किसी और को निशाना बनाने में लगी हो। सर मैं सभी पुलिस स्टेशन में अलर्ट भेज देता हूँ। अब तो किसी को भी काम पे रखने में डर लग रहा है। देखिए जो भी हुआ उसे हमें भूलना होगा। कोई बात नहीं, आप जाइए और 2 हफ्ते के लिए मैं हूँ यहाँ पे। आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि बा हमारे साथ ही चलने के लिए राजी हो जाए। बकवास है, तुम पूरे टाइम वहां थे फिर भी वो निकल कैसे गई? कल रात को 2 घंटों के लिए मैं घर के जरूरी काम से गया था, शायद उसी वक्त भाग गई। तुमने पड़ोसियों से बात की? किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब किराए पे रहती थी। गणेश वो एक ही तो लीड थी हमारी। क्या बताऊं ताई, वो लोग पूरा टाइम मुझ पर निगरानी रखते हैं। शुक्र है उन लोगों ने घर की तलाशी नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? घूमते हैं जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। अच्छा तू अब कुछ खा पी ले, भूखी होगी ना। पुलिस के पास जो एकमात्र लीड थी वो भी उनके हाथ से निकल गई थी। फर्जी नर्स पूजा तांबे अब पुलिस की पहुंच के बाहर थी और अगले 3 महीने तक ऐसा लग रहा था कि उस तक पहुंचना अब नामुमकिन था। हेलो सर, मैं अर्चना दामले बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं पूजा मास्के की दोस्त। पूजा जिसे आप ढूंढ रहे थे? हाँ बोलिए। सर क्या वो मिली आपको? नहीं, हम उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्या आपको वो कहीं दिखाई दी? हाँ मैंने देखा उसे। लगता पुलिस वाले साथ में अर्चना भी है। उस दिन जब हमें दिखी थी तभी निकल जाना चाहिए था कहीं। मुझे क्या पता था कि पुलिस को बता देगी। एक काम करो, पीछे जाओ, हो सकता है कि दरवाजा हो पीछे। जाओ सर। वो लोग यहाँ पर भी हैं। वो लोग मुझे पकड़ने आए हैं ना। मैं काम करती हूँ, मैं कहीं भाग जाती हूँ। तो चुपचाप जा दरवाजा खोल जा जल्दी। रोको, तोड़ो दरवाजा। अरे क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ साहब? पीछे का दरवाजा खोलो। हमारी बहन कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, पर साहब मैंने इन दोनों को यहीं देखा था।
देखो जागृति, सच सच बोलो, तुम्हारी बहन पूजा कहाँ है, वरना बहुत बुरा होगा। वो यहाँ नहीं, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रही हूँ साहब। झूठ बोल रही है ये। जब मैंने इन दोनों को मार्केट में देखा था, मैंने पीछा किया था इनका साहब, और ये दोनों इसी घर में घुसी थी। वो मुरट में है, उन्होंने मुझे मुरट वाले घर से फोन किया था। चुप। मैं कह रही हूँ ना, वो यहाँ नहीं है साहब, इधर मैं सच कह रही हूँ। सर यहीं है वो। मिस फर्जी, अब और फर्जी कहानी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा सब कुछ सच सच बता दो। ये रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट की एक एक जेरोक्स करके दीजिए ना। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं एक घंटे के बाद आती हूँ। जेरोक्स करके दो ना। हाँ बस दो मिनट, इतना रिचार्ज कर लेता हूँ। मैं अलीबाग में नौकरानी का काम करती थी, घरों में झाड़ू घटका बर्तन वगैरह, कमाई पूरी नहीं होती थी सब। काम करते करते लोगों को दवा देना, उनका ख्याल रखना, ये सब आ गया था मुझे। जब वो सर्टिफिकेट देखा तो लगा कि इससे मुझे कुछ अच्छा काम मिल सकता है, कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अस्पताल में भी काम कर चुकी थी साहब, वहां नर्स को इंजेक्शन देते हुए देखा था, काम करते हुए देखा था। पहचान बदल कर काम करने के बारे में सोचा, शुरू से ही तुम्हारा इरादा अमीर घरों को लूटने का था। हाँ साहब, मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती थी, जितना कमाती थी वो हम दोनों के लिए काफी नहीं था। तुमने एक बूढ़ी औरत का घर लूटा, एक ऐसा घर जिसे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पेट पल रहा था, अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे वो लोग तुम्हें। लेकिन साहब इस शहर में पैसे पूरे ही नहीं पड़ते थे, जितना कमाते थे वो मेरे लिए ही काफी नहीं था, फिर बहन को भी पैसे भेजने पड़ते थे। तुम अपने बुरे हालात का जितना चाहे रोना रो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम एक चोर हो जिसने मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया। मुझे पता था कि रात में 2 से 5 के बीच
पापा बहुत ही गहरी नींद में होती है। मैंने तकिए के नीचे चाबियां रखी ही ऐसी थी कि आराम से निकाली जा सके। देवा शपथ साहब, मैं ये पैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई में लगाने वाली थी। खुद भी नर्स की पढ़ाई करके सचमुच की नर्स बनना चाहती थी। आप देख लीजिए साहब, उन पैसों में से मैंने बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पैसे कम खर्च किए हैं, ज्यादा खर्च किए। तुमने पैसे चोरी किए, तुम एक चोर हो। लेकिन मेरी बहन चोर नहीं है, वो वही करी थी जो मैंने उससे कहा। वो मासूम है साहब, उसे जाने दीजिए। तुमने नकली पहचान बनाने के लिए इतना कुछ किया, एक ऐसा घर ढूंढने के लिए जहाँ पे तुम चोरी कर सको, इतना कुछ किया। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की, जबकि जहां जहां तुमने काम किया हमने पता किया, सब ने यही कहा कि वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। थोड़ी और मेहनत करती तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। पुलिस ने लड़की की पहचान और उससे मिली ज्वेलरी की पहचान करने के लिए बुलाया था। उसका असली नाम पूजा मास्के है। बड़ी शातिर निकली, हम सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बना गई। सिर्फ हमें नहीं स्नेहा, कई और लोगों को भी। जो भी हो, लेकिन जब तक यहां थी बहुत अच्छे से काम करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। उसे ये सब करने की क्या जरूरत। पूजा की बहन जागृति को छोड़ दिया गया है क्योंकि उस पर कोई केस नहीं बन रहा था। पूजा को आईपीसी की धारा 381 यानी क्लर्क या नौकर द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चुराने के तहत और 419 यानी किसी और की आइडेंटिटी को अपनाकर किसी को धोखा देने के तहत अरेस्ट किया गया है। चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और पूजा अभी जमानत पर बाहर है। एक तरह से देखा जाए तो एक लड़की ने कितनी आसानी से कुछ फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी और की पहचान को अपना बनाया और उसके जरिए काम हासिल करती रही। और काम भी एक नर्स का, जो कि एक विशेषज्ञता वाला काम है और किसी की जान जोखिम में डाल सकता है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये ब्यूरो और प्लेसमेंट एजेंसीज, जिनका काम है कैंडिडेट के बारे में जांच करना, सब कुछ वेरीफाई करना। पर वेरिफिकेशन तो छोड़िए, कैंडिडेट बिना फोटो दिए ही काम किए जा रहे हैं, ये बात ही बहुत शॉकिंग है। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन किस पे इल्जाम लगाया जाए? शर्म बची कहां है? चारों तरफ हो रहे घोटालों और स्कैम्स में बेशर्मी का नंगा नाच ही तो हो रहा है, और उसके बावजूद ये नेता बिना शर्म का चेहरा लिए जनता के मसीहा बने फिरते हैं। हमारी व्यवस्था ने अब तक कभी भी जनता का ठीक से ख्याल नहीं रखा है, और अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तो सब लोग झूठे वादे किए जा रहे हैं कि अगले 5 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। किसी में भी शर्म बची कहां है? पूजा को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। उसकी ये सोच बिल्कुल गलत थी कि अपराध करके बचा जा सकता है। जुर्म कभी फायदेमंद साबित नहीं होता, क्राइम नेवर पेस, और एक आम नागरिक के लिए तो कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। सच तो यह है कि पूजा एक होनहार जवान लड़की है। वो अपने नाम पर ही मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकती थी, उसे फर्जी पहचान अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि वो ये समझेगी और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगी। ये उम्मीद और आशा ही आम लोगों की ताकत है, हम लोगों की ताकत है। और यही ताकत हमें हमारे आसपास हर वक्त घट रही बेशर्मी और घटिया करतूतों से महफूज रखेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और इस बात का रिकॉर्ड जरूर रखें कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज किसे और क्यों दे रहे हैं। जय हिंद।